Hey, what's up, my friend? So, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द फास्टेस्ट वे टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। आज के समय पे इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर बंदा अपना ब्रांड बनाना चाहता है, बिकॉज अब इंस्टाग्राम को ज्यादातर जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इंस्टाग्राम को एक ब्रांड हब देखते हैं। और इंस्टाग्राम वाकई में लोगों की मदद कर रहा है लाखों करोड़ रुपए कमाने में। तो दोस्तों, आज वो तीन तरीके से पहले हम लोग बात करेंगे कैसे आप तीन तरीके से इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप वाकई में बहुत तेजी से इंस्टाग्राम पे ग्रो करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं पहला तरीका, वो तीन तरीकों में से जो लोग आज के समय पे इंस्टाग्राम पे यूज कर रहे हैं ग्रोथ लाने में, मतलब की फॉलोअर ग्रो में और उनकी रीच ग्रो में, राइट। तो गाइस, सबसे पहला जो तरीका है वो पेड है। मैं पेड और फ्री दोनों की बात करने वाला हूँ, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप प्रीफर कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो पेड यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, तेजी से रिजल्ट आएगा, और फ्री में यूज करोगे तो थोड़ा सा स्लो आएगा, बट आएगा अगर आप सही से डेफिनेटली वैसे ही यूज करोगे जैसे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा रिसर्च करोगे, बिकॉज एक वीडियो में हर पॉइंट को कवर करना इट्स नॉट ईजी, कुछ छूट जाते हैं, कुछ कवर हो जाते हैं, तो आपको उसमें थोड़ा रिसर्च करना होगा। और अगर आपने मुझे नहीं फॉलो किया इंस्टाग्राम में, मेक श्योर फॉलो करोगे तो वहां मैं बहुत सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ। और प्लस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको वो वीडियोस मिल सकें जो आपके लाइफ में वैल्यू, डेफिनेटली वैल्यू ऐड करती है वो वीडियोस, राइट। तो सबसे पहला जो तरीका गाइस वो ये है कि पेड प्रमोशन। आपको पता है कि प्रमोट का बटन होता है जो आपको क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म को यूज करके थोड़े से पैसे लगा के अपने किसी भी पोस्ट को प्रमोट करो और लोग आपके पोस्ट को देखेंगे, देन वो क्लिक करेंगे और आपके प्रोफाइल पे आएंगे। अगर उनको आपका प्रोफाइल अच्छा लगेगा देन वो आपको फॉलो करेंगे, राइट। अब देखो, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले तो पेड प्रमोशन, अब आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो आपको एक बजट बनाना पड़ेगा कि आपको डेली का 200, 300, 400, 500 रुपए डेली का इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद की ये जो रिजल्ट है वो थोड़े स्लो है, बिकॉज ये डिपेंड है फेसबुक के ट्रैफिक पे, और फेसबुक धीरे 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 अपने रीच को इंक्रीज करता है, तो ये जो रिजल्ट है थोड़ा सा स्लो है, बट हाँ, लोग यूज कर रहे हैं, ज्यादा पैसा लगा रहे हैं और फास्ट रिजल्ट लेके आ रहे हैं। दूसरा तरीका, शॉर्ट आउट फॉर शॉर्ट आउट, ये जो तरीका है ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और बिलीव मी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। अब शॉर्ट आउट फॉर शॉर्ट आउट क्या होता है कि आप किसी से बात कर लो कि भाई मैं आपका जो अकाउंट है उसका शॉर्ट आउट करूंगा, उसका पोस्ट डालूंगा, स्टोरी डालूंगा, और आप भी मेरा पोस्ट डालोगे और स्टोरी डालोगे। ये पेड भी होता है और ये फ्री भी होता है, राइट। बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जिनको बोलते हैं इंस्टाग्राम एजेंसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, या आप बोल सकते हो इन्फ्लुएंसर एजेंसी, राइट। तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बट हाँ, इस समय तीनों डिवाइडेड है, और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे हमारी सोशल मीडिया एजेंसी है, मतलब कि वो तीन चार प्लेटफॉर्म को पकड़ लिए हैं, लाइक टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, राइट। तो वो बन गए हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। अब जो दूसरे हैं वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, उनका नेटवर्क बहुत ज्यादा है इंस्टाग्राम में, तो वो है इंस्टाग्राम एजेंसी। और गाइस, जो तीसरी मैंने बात की है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, उनके पास क्या है, उनके पास कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको वो पैसे देते हैं और आपकी आईडी देते हैं और उनका जो प्रोफाइल है वहां से आपकी आईडी प्रमोट करवाते हैं, राइट। तो ये शॉर्ट आउट फॉर शॉर्ट आउट का गेम पैसे में भी होता है, फ्री में भी होता है। अगर आपको फ्री में करना है तो आप लोगों को जो भी आपके सिमिलर अकाउंट है, जो आपके जैसे हैं, उनको डीएम करके आप ये चीज कर सकते हो। दूसरा तरीका है जो फास्ट ग्रोथ आपको देता है। तीसरा जो तरीका है वो क्या है, बताने से पहले मैं बता दूं, जो मैं आपको फास्ट ग्रोथ का तरीका बताऊंगा जो मैंने खुद अप्लाई किया अपने केस स्टडी से बताऊंगा, और वो एक ऐसा तरीका है जो आपको तेजी से ग्रोथ देगा। हाँ, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और फ्री में भी हो सकता है, बट आप पे वो डिपेंड करता है। तीसरा जो तरीका गाइज वो है लाइव टू लाइव। अब गाइज, लाइव टू लाइव क्या है, आपको पता होगा आज के समय में जब लोग बहुत ज्यादा घर में बैठे हुए हैं, या बहुत बाद में भी लोग इसका यूज करते हैं, बस अभी के समय में बहुत ज्यादा लोग इसका यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लाइव टू लाइव, मतलब कि लाइव का कोलैब करना, मतलब अगर मैं अपने प्रोफाइल में लाइव हूं तो आपको भी अपने प्रोफाइल में लाइव ले लूंगा, आप भी नीचे लाइव दिखोगे, मैं भी आपको ऊपर लाइव दिखूंगा। अब इससे क्या होगा, आप दोनों के प्रोफाइल में दो लोग लाइव दिखेंगे, ठीक है, मतलब कि वो आइकन दिखता है ऐसा गोल सा, लाइव लाइव यहाँ पे दिखते रहता है। तो अब क्या होगा, लोग इधर से इधर एक्सचेंज होते हैं, मतलब उनके प्रोफाइल से आपके प्रोफाइल पे और आपके प्रोफाइल से उनके प्रोफाइल पे, बिकॉज लोग चेक करते हैं भाई ये बंदा कौन है इसके साथ, ये बंदा कौन है इसके साथ। आपको पता है ना, बिग बॉस जैसे शोज बहुत ज्यादा इंडिया में चलते हैं, क्यों, क्योंकि लोगों को काफी अच्छा लगता है दूसरों के घरों में झांकना, राइट। तो वैसे ही लोग जब दो लोगों को लाइव देखते हैं तो बोलते हैं भाई मैं इस प्रोफाइल पे हूँ, बट ये बंदा कौन है, लेट्स क्लिक ऑन दैट, एंड देन वो लोग जाते हैं। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ बिकॉज ये एक केस स्टडी है,
जिसमें मैंने पढ़ा है कि बहुत ज्यादा अच्छा खासा रिजल्ट आता है अगर आप लाइव टू लाइव खेलते हो, एक हफ्ते में 2-3 लाइव भी करते हो एक एक घंटा बैठ के, तो आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। रीच भी काफी ज्यादा आती है और फॉलोअर भी काफी ज्यादा एक्सचेंज होते हैं। और अब लास्ट वो तरीका जो मैंने भी यूज किया है, और मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि मेरा एक पोस्ट जो मुझे ऑलमोस्ट 800 से लेके 1000 तक का फॉलोअर गेन करके दिया है, और वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ वो पोस्ट है क्या। ओके, सो गाइस दिस इज द पोस्ट, यू कैन सी हियर, राइट, यू कैन सी हियर। ओके, सो गाइस ये जो पोस्ट है, ये इस पोस्ट ने मुझे अकेले, बता रहा हूँ अकेले, 800 से लेके 1000 फॉलोअर दिया। अब देखो मैंने क्या किया है, आपको मैंने कहा है कि तीन पहले बेस्ट तरीके बताऊंगा जो लोग अभी यूज कर रहे हैं, और उसमें से एक सबसे फास्ट तरीका है जो आपको ग्रोथ देगा 101% ऑन सोशल मीडिया। तो अब वो तरीका है क्या, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, शॉर्ट आउट टू शॉर्ट आउट। अब गाइस देखो शॉर्ट आउट टू शॉर्ट आउट क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने एक बंदे से बात की जिसकी एजेंसी है इंस्टाग्राम की, राइट। अब मैंने उसको कहा कि मुझे चाहिए शॉर्ट आउट सिमिलर अकाउंट्स का, क्योंकि इनके पास रहते हैं बड़े बड़े नेटवर्क्स, राइट। और मैंने ये पोस्ट, इसको बोलते हैं कंपैरिजन पोस्ट, राइट, इसका एक पूरा ट्रेनिंग वीडियो है मेरे जो मेरे कोर्स है ना, आपको पता है अगर नहीं है मेरे कोर्स के बारे में तो आपको पता चल जाएगा अगर आप मेरे वेबिनार्स अटेंड करते होगे। तो मेरा जो कोर्स है उसमें एक पूरी ट्रेनिंग वीडियो है कि ये पोस्ट कैसे लोगों के माइंड पे फिजिकोलॉजी में इफेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं कंपैरिजन पोस्ट, राइट। जब लोगों से आप कंपेयर करोगे तब आपको काफी अच्छा ग्रोथ दिखने मिलेगा ऑन इंस्टाग्राम, जैसे कि मैंने आपको ये पोस्ट दिखाया। तो अब मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे कंपैरिजन किया है कि मैं ये जो कोरोना डेज चल रहे हैं, क्वारंटाइन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इसमें मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ, बट वहीं कुछ लोग नेटफ्लिक्स में चिल कर रहे हैं, देन पीपल स्टार्ट सर्चिंग अबाउट मी, बिकॉज हम लोगों ने नीचे भी लिख के रखा था इफ यू वांट टू लर्न सम स्किल्स फॉलो अस, देन लोग वहां पर जा रहे हैं एंड क्लिक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं एंड वो मेरे प्रोफाइल पे आ रहे हैं, देन उनको प्रोफाइल अच्छी लग रही है तो वो फॉलो कर रहे हैं। तो एक पोस्ट मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट दिया कंपैरिजन वाला, इसलिए मैंने आपको बताया, और ये शॉर्ट आउट टू शॉर्ट आउट फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर मैंने तो मार्केटिंग एजेंसी से बात की, देन उससे मैं शॉर्ट आउट टू शॉर्ट आउट लिया एंड उससे काम हुआ। बट अगर आपको फ्री में करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे जाओ और सिमिलर अकाउंट्स को फाइंड करो और सिमिलर लोगों को भी फाइंड करो। अगर आपके जैसे कोई बंदा है उसके 1000 फॉलोअर हैं, आपके भी 1000 फॉलोअर हैं, तो आप एक डीएम का फॉर्मेट बनाओ जिसमें लिखो हेलो फ्रेंड या हेलो सर, वट एवर यू कैन से, राइट, आप कह सकते हो। तो आपको क्या करना है, हेलो सर, देन आप बोलो कि अगर आप चाहो तो हम लोग शॉर्ट आउट टू शॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिससे आपको भी बेनिफिट होगा और मुझे भी बेनिफिट होगा। आपको क्या करनी है, आपको एक स्टोरी आपके स्टोरी में डालनी है रिलेटेड टू मी, और एक पोस्ट डालना है रिलेटेड टू मी इन योर फीड्स, राइट। ऐसे ही सेम मैं भी आपके लिए करूंगा 24 आवर्स के लिए या 48 आवर्स के लिए या 7 डेज के लिए, डिपेंड करता है आप पे और आप दोनों पे कि आप लोगों की डील क्या है। ये आप डेली 10 से 15 लोगों को, पहले बता रहा हूँ 10 से 15 लोगों को, ज्यादा लोगों को करोगे ब्लॉक हो जाओगे, और रुक रुक के करना है। अगर कॉपी बना लिए हो और उसको बार बार पेस्ट 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 किए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। आराम से 1 मिनट लो, एक करो, फिर 2 मिनट लो, दूसरे करो, 3 मिनट लो, तीसरे करो, बिकॉज आप तुरंत 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 सेम मैसेज करोगे इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम आपको ब्लॉक कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें ध्यान में रखना, अदरवाइज आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। ओके, तो अब क्या करोगे, अगर आपको फ्री में करना है तो लोगों को डीएम करोगे और बोलोगे भाई मुझे शॉर्ट आउट टू शॉर्ट आउट चाहिए, और कंपैरिजन वाले पोस्ट बनाओगे। आपको जैसे मैंने पोस्ट दिखाया है वैसे आप कोई भी कंपैरिजन वाले पोस्ट बनाओ और वहां पर दिखाओ, राइट। और भी बहुत सारे कंपैरिजन वाले पोस्ट हैं, आपको दिख जाएंगे जब आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम में, बहुत सारे अलग अलग पेजेस हैं जो आपको सिखाते हैं कि आप कैसे ग्रोथ पाओ, मार्केटिंग कैसे करो। तो वो देखना, अक्सर यही यूज करते हैं कि कंपैरिजन, वो ऊपर से नीचे कंपैरिजन करते हैं। एक और चीज मैं दिखा देता हूँ आपको कंपैरिजन वाले पोस्ट की पावर क्या होती है। ये भी एक कंपैरिजन वाला पोस्ट है, और ये जो पोस्ट ये काफी ज्यादा रीच लेके आया था मैं इंस्टाग्राम फीड पे, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं कंपैरिजन वाले पोस्ट। और ये मैं आपको रिसर्च से बता रहा हूँ, अपने मार्केटिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एंड यू कैन सी अदर वन, राइट। तो गाइस ऐसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो आपको काफी अच्छा खासा बेनिफिट देंगे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वो कंपैरिजन करके बनाए जाते हैं स्पेशली फॉर दिस थिंग्स। और बिलीव मी, शॉर्ट आउट फॉर शॉर्ट आउट बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी मार्केटिंग एजेंसी से या जिसका भी बड़ा नेटवर्क है आप उससे बात कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास अगर पैसे नहीं है तो डेली के 10 से 15 लोगों को डीएम करो, 5 से 10 लोगों के साथ डेली कोलैब करो, डेली कोलैब करो, एंड यू विल सी द डैम ग्रोथ ऑन योर इंस्टाग्राम, बिलीव मी। फास्ट वे है, सबसे अच्छा तरीका है, प्रूवन तरीका है, 2020 में, 2021 में, 2022 में हर वक्त ये काम आएगा, बिकॉज ये किसी
एल्गोरिथम पे बेस नहीं है, राइट। तो ये पूरा जो है मार्केटिंग पे, फिजिकोलॉजी पे बेस है। अगर थोड़ा सा आपको मार्केटिंग आती है तो आप काफी अच्छा कर पाओगे ग्रोथ ऑन इंस्टाग्राम। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट मुझे करके बताओ कमेंट, और इस वीडियो को लाइक करो अगर अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो डिसलाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ऑन व्हाट्सअप, क्योंकि वो लोग भी इंस्टाग्राम में ग्रोथ चाहते हैं। तो मेक श्योर कि आप शेयर जरूर करो। सी नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।